प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम पावर के ऊपर। दोस्तों, काफी सारे बच्चों ने मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे मेरे साथ बच्चे कनेक्ट हैं, और जिनके पास में मेरे व्हाट्सअप नंबर है वो बच्चे उन्होंने व्हाट्सअप पे मैसेज किया, फोन किया। उनका एक ही कहना था कि सर, मैथ सब्जेक्ट ना हमें बहुत ज्यादा टफ लगता है। मैथ्स में हम कहीं ना कहीं डरते हैं कि यार मैथ्स में कैसे अच्छा स्कोर कर पाएंगे। टर्म टू हमारा नजदीक आ चुका है, क्या हम 40 में से 40 मैथ्स के अंदर स्कोर कर पाएंगे? तो दोस्तों, आज का ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जिनको ये डर सताता है कि मैथ सब्जेक्ट सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, अब उसको कैसे हम जो है वो आसान बनाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं कंप्लीटली आपको बताने वाला हूं कि मैथ्स से आपको प्यार कैसे होगा, मैथ्स आपको अच्छा कैसे लगेगा, मैथ्स आप सॉल्व कैसे करेंगे, राइट, मैथ्स कैसे सॉल्व करने लग जाएंगे, कैसे आप हाउ टू स्कोर 40-40 इन टर्म टू इन मैथमेटिक्स, राइट, यानी कि मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है टर्म टू के अंदर, सब्जेक्ट मैथ क्लास 10th, उसके अंदर आप कैसे अच्छा स्कोर करें ताकि जो है वो आप खुश हो पाए, आप अपने पेरेंट्स को खुश कर पाए, राइट, कहीं ना कहीं यार पूरे फुल मार्क्स आते हैं तो कहीं ना कहीं चेहरे पे खुशी रहती है, तो वो कैसे आपके ऊपर आएगी, तो मैं बताता हूं आपको। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो ये मिथ है ना, ये चीज आप दिमाग से निकाल दो कि कोई भी चीज डिफिकल्ट या फिर आसान नहीं होती है। अगर कोई चीज हमें आती है तो वो हमारे लिए आसान है, और कोई चीज हमें नहीं आती है इसका मतलब वो हमारे लिए डिफिकल्ट है। जो थिंग थी वो वैसे की वैसे ही है, तो सब्जेक्ट जैसा होता है वो वैसा ही रहता है। कुछ बच्चों के लिए मैथ्स बहुत इजी है, जिनको लगता है यार ये तो बहुत ही आसान है, सबसे ज्यादा मजा ही उनको मैथ्स सॉल्व करने में आता है, और कुछ बच्चों को मैथ्स से डर लगता है। जब भी मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं तो उनको नींद आने लगती है, राइट, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा तभी होता है जब हमारा मन नहीं लगता। आप मेरी एक बात का आप मुझे जवाब दीजिए, जब भी हमारा किसी काम में मन नहीं लगता तो हम बोर होते हैं, राइट। मान लो एक ऐसी बोरिंग सी मूवी मैं आपको दिखाऊं, तो जनरली मूवी देखते टाइम नींद नहीं आएगी क्योंकि साउंड इतना है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग सो जाते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि मूवी उनको ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगी। मूवी जब वो देख रहे थे तो उसमें या तो फिर कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं था, या फिर कोई ऐसा डायलॉग नहीं था, या फिर कॉमेडी नहीं थी, एक्शन नहीं था, जो भी था मूवी बकवास थी, जिस वजह से उनको बोरिंग लगी और उनको इंटरेस्ट नहीं आया और वो खो गए और उन्हें नींद आ गई, राइट। बट अगर वही मूवी इंटरेस्टिंग होती तो क्या उनको नींद आ जाती? बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि उनका मन लग जाता, और जब मन लगता है तो कहीं ना कहीं वो पूरी की पूरी स्टोरी हमारे दिमाग में छप जाती है, राइट। ये हर सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन मैथ्स की अगर मैं बात करूं कि मैथ्स आपको तब तक नहीं आएगी जब तक आप छोटे छोटे कंसेप्ट, छोटी छोटी चीजों पे काम नहीं करेंगे। बहुत सारे बच्चे ना क्या गलतियां करते हैं पता है आपको? बहुत सारे बच्चे ना कैलकुलेशन करते टाइम पे कैलकुलेटर की हेल्प लेते हैं। अब बताओ वो बच्चे मैथ्स कैसे सीख सकते हैं? बिल्कुल नहीं सीख सकते। उनको मैथ्स हमेशा टफी लगेगी। उनको अगर 25 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो वो कैलकुलेटर की हेल्प लेते हैं, तो धीरे धीरे वो मल्टीप्लाई करना भी भूल जाते हैं और बाद में कहेंगे कि टर्म टू के अंदर अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। रीजन सिंपल सा है बेटा, छोटे से छोटी चीज को जितना ज्यादा आप पेपर और पेन का यूज करेंगे उतना ही आपकी मैथ्स जो है वो स्ट्रोंग होती जाएगी। बार बार कोशिश करना, बार बार चीजों को करना, यानी एक सवाल a प्लस बी का होल स्क्वायर था, आपने सॉल्व किया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। अब आपने इसको जब तक क्वेश्चंस के अंदर अगर अप्लाई नहीं किया तब तक आपने इसको रट तो लिया है। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आपने रट्टा तो लगा लिया, बट अगर आप इसको क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर रहे कि a क्या होता है, b क्या होता है, तो आप मैथ्स फिर सीख नहीं पाएंगे और धीरे धीरे आपको मैथ्स जो है वो टफ लगने लगेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैथ्स सब्जेक्ट जो है वो मेरा आसान बने, तो बेटा छोटे छोटे कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। आपके जो टीचर हैं, आपको जो भी टीचर आपको पढ़ाते हैं, उन टीचर से आप क्वेश्चन कीजिए कि सर ये कैसे आया। जब क्वेश्चन मार्क लगाना स्टार्ट कर देंगे ना, मान लो कि 2 + 4 टीचर ने डायरेक्टली 6 लिख दिया, तो टीचर साहब पूछ सकते हो कि सर ये 6 कैसे आया, तो टीचर बताएगा भी 2 और 4 को मैंने ऐड किया इसलिए मैंने जो है वो 6 लिख दिया। अब स्टार्टिंग में बच्चे क्या करते हैं, जब मान लो आपकी मैथ्स अच्छी हो गई उसके बाद में आप जो है स्टेप को स्कीप कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं, लेकिन टीचर ऐसा नहीं करता। अगर जो टीचर स्टेप को स्किप करके आपको पढ़ा रहा है तो धीरे धीरे फिर आपका मैथ्स जो है वो वीक होने लगेगा, क्योंकि हर एक स्टेप आपको जाननी है। और आप भी जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कभी भी बेटा स्टेप स्किप मत कीजिए। नो डाउट आपको पता है, फिर भी आप उसको पेपर में लिखिए, क्योंकि ऐसा करने से होता क्या है कि मैथ्स जो है वो धीरे धीरे आपकी हैबिट में आ जाती है और धीरे धीरे आपको आसान लगने लगती है, हर एक क्वेश्चन आपको आसान लगने लगता है। तो जो भी बच्चे ये कहते हैं कि सर मैथ्स मेरी टफ है, मैथ्स मुझे टफ लगती है, डिफिकल्ट लगती है, मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता हूं, तो उन बच्चों को एक ही बात कहूंगा, बेटा सबसे पहले छोटे छोटे कंसेप्ट पे ध्यान दो। अगर नंबर सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं तो उसके अंदर पहले जानो कि नेचुरल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, राइट। तो इसी तरीके से
क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं बेस वीक होता है, जिस वजह से मैथ्स हमें आगे जाके जो है वो टफ लगने लगती है। रीजन सिंपल सा यही है, अगर आपका मैथ्स ज्यादा टफ लग रहा है, आपको ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो यकीन मानो अगर आप 10th क्लास में हैं, अभी तो टाइम नहीं है, अभी तो आपको केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और अपने कंसेप्ट भी पढ़ने हैं, लेकिन भविष्य में मैथ्स का अगर आप मान लो यूज करना चाहते हैं तो 8th की, 7th की और 6th की बुक उठा लो मैथ्स की, और उन बुक्स को उठा के बनाना स्टार्ट करो। जब वो वहां से बेसिक क्लियर करोगे ना, फिर देखना तुम बड़े बड़े क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाओगे। बहुत सारे बच्चों को जो है वो फ्रैक्शन सॉल्व करना नहीं आती, बहुत सारे बच्चों को वेरिएबल क्या होता है, कॉन्स्टेंट क्या होता है, इनके बारे में नहीं पता होता। तो बेटा जब ये सारी बातें आपको नहीं पता है तो आपको मैथ्स टफ ही लगेगी ना। तो सबसे पहले छोटी छोटी चीजें जैसे एडिशन करना या राइट सब्ट्रैक्शन करना, वेरिएबल और इन सब का जो कॉम्बिनेशन होता है इसके थ्रू, यानी जिसकी अलजेब्रा स्ट्रॉन्ग होती है ना उसको मैथ्स बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, राइट। तो ज्योमेट्री का पोर्शन नो डाउट बहुत सारे बच्चों का वीक होता है, लेकिन अलजेब्रा का पोर्शन जिसका स्ट्रॉन्ग है ना उसकी पूरी मैथ्स अच्छी होगी, क्योंकि अलजेब्रा में सारे कंसेप्ट अप्लाई होते हैं। जैसे मान लो कि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, प्लस आता है। अब किसी बच्चे से अगर मैं पूछ लूं कि माइनस के 5 में अगर माइनस का 3 जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, माइनस के 5 में से माइनस का 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो बहुत सारे बच्चों का जो जवाब होगा वो 2 होगा, लेकिन माइनस के 5 और माइनस के 3 का सब्ट्रैक्शन करने पे माइनस का 8 आता है, क्योंकि सेम साइन हमेशा ऐड हो जाते हैं। तो ये बेसिक चीजों पर आप बेटा अगर ध्यान दोगे ना तो मैथ्स आपका जो सब्जेक्ट है वो धीरे धीरे इंप्रूव होगा, क्योंकि एक साथ में कुछ भी नहीं होता। जब रेगुलर बेसिस पे आप काम करेंगे तो धीरे धीरे आपका मैथ्स अच्छा स्कोर कर जाएगा। अब बात आती है कि हाउ टू स्कोर 40-40, अगर हमारा मैथ्स वीक है फिर भी हम 40 में से 40 कैसे स्कोर करें, तो उसके लिए एक रामबाण तरीका आपको बताता हूं। सबसे पहले पीवाईक्यू पे फोकस करो, चाहे रटना पड़े आपको, अगर मैथ्स नहीं आ रही है रटना पड़े रट लो, पीवाईक्यू पे फोकस करो, सैंपल पेपर को सॉल्व करो, हर एक क्वेश्चन को रट लो। अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो, सॉल्व करते हैं उनके लिए तो अच्छी बात है, अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो उन क्वेश्चंस को भले ही रट लो, लेकिन हर पीवाईक्यू और जो सैंपल पेपर है वो, और आपके टीचर्स, या फिर मैं भी एक इंपॉर्टेंट वीडियो बनाऊंगा, भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जो कि टर्म 2 के लिए चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या इंपॉर्टेंट होगा, दूसरे जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ट्रिग्नोमेट्री है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है, सर्फेस एरिया एंड वॉल्यूम है, इन सब में क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सब मैं बताऊंगा। तो ये 3 चीजों पर आपको फोकस करना है, जो बच्चे मैथ्स अभी तक कवर नहीं कर पाए उन बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं। फिर देखना 40 भी तो 35 नंबर या फिर 30 नंबर आप पक्का स्कोर कर पाएंगे अगर आपने पूरी मेहनत के साथ में वो काम किया है। तो दोस्तों ये पूरी जानकारी आप लोगों के लिए थी, अगर आप चाहते हैं कि ये जानकारी सर ने हमें अच्छी बताई तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, खिलखिलाते रहना। टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू, कीप सपोर्टिंग एंड कीप।